गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के हो रहे हैं 5:17, 5:30 तक विशेष आ जाएगा, तो जल्दी से रेडी होते हैं, एक शावर लेते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रिप। सो गाइस, आई एम रेडी। 5:40 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट रेडी हूँ। पैकिंग मैंने कर ली है, मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। एक मिनट, डबल बैग ले रहा हूँ, इसमें कपड़ा डाल दिया मैंने, दो तीन टी शर्ट्स हैं, टॉवल है, बाकी एक जीन्स है, बाकी एक ट्रैवल पाउच लेके जा रहा हूँ, इसमें मेरे केबल्स वगैरह हैं, फिर वॉलेट है, वॉच, चेन्स, एक क्या बोलते हैं इसको, पावर बैंक है, बस इतने लेके जा रहा हूँ। तो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं अमृतसर के ट्रिप के लिए और मेरे साथ विवेक है, आकाश है, कंडक्टर सूरज है और कंडक्टर सूरज है। टिकट ले लो भैया। अभी हम सेक्टर 10 के अंदर है क्योंकि यहाँ पे आकाश का थोड़ा सा काम था भाई दूज का, और हैप्पी भाई दूज आप लोगों को भी। तो अब चलते हैं आगे। फूल चुके हैं। बैठे वो कहाँ गया साला, धूप का मेरी पता नहीं सर। सो गाइस, मैक्रो मदन और एमसीडी। ओ रेस 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 हरियाणा की बुलेट ट्रेन तक वाला ले गया, बुलेट ट्रेन जा रही है हरियाणा की। हरियाणा 1965 से चल रही है, ये वो था प्रैक्टिस चल रही है लोकल। अभी स्ट्रगल ये हो रहा है कि हम ज्यादा हो गए गाड़ी के अंदर, तो हम सोच रहे हैं कि सूरज को छोड़ दे कहीं पे। लाली वो एक गाना सुनाऊंगा जबरदस्त भजन है, लाली यार तू अब आ गए, लाली तेरा लाली ओ गया मैं भी लाल तेरा सही में भजन मैया का चोला है रंगला। गाइस, अभी रोहतक हम पहुंच चुके हैं, रोहतक पार कर दिया है, तो अब कहीं रुकेंगे और कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है, विवेक के गैस भी हो गई है, आंख में इसलिए पानी का और दवाई डाल रहा है। इसको रोना आ गया, देखिए पूरा पानी पेशाब का ब्रेक है। चल गए सही सीट ले ली है, अब तो अच्छे शॉट्स मिलेंगे। जस्ट बच गए, इसको हम छोड़ने वाले थे। कहाँ बच गया, वो तो वापस कर देंगे, छोड़ गए ऐसे ही। भाई वो बुरा मान जाएगा, हो गया उधर सही, बस की शक्ल ऐसी हो रखी है। तो गाइस पहला ब्रेक ले लिया है, ये राजा जी ढाबा है, यहाँ पे राजा है उसके पेट में, इसको लेना पड़ गया है ब्रेक, सिलेंडर भर देंगे। काफी अच्छा लग रहा है, देख रहा है, कह रहा हूँ अच्छा लग रहा है। काफी लग रहा है इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रशिया ने कितना टेक ओवर कर लिया यूक्रेन, मैं बोला 18%, कह रहा जीएसटी लगा दिया।
बोलती चलो गैस करो आगे क्या आने वाला है चाय पीनी बड़े लग रहा है भाई दही आप दही करवाए में दही क्यों ले रहा भाई ले रहा ये ले रहा तो ले रहा अरे हम कर लेंगे ऑर्डर के टाइम तो बड़ा दही दही कर रहा था दही वाला है यार दही 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 दूध हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है तो बोला ही था चाय के लिए दही ने बोला था इसने दही बोला था इधर मैं दही पहले बोला भाई अब तो समझा तो कब चिड़ी क्यों बोलते हो मैं सोचा था तूने दही और चाय दोनों बोला सो गाइस राजा जी ढाबे पे हमने खाना खा लिया है परांठे खाए बहुत सारे और एज यूजुअल पराठे पराठे अपना काम करना शुरू कर चुके हैं हमारा काम है गाड़ी में टेम्परेचर मेंटेन रखना सेकंड ब्रेक ले रहे हैं हम पानी पिसाब का सेकंड ब्रेक चल रहा है और एक तरफ फोटो सेशन हो रहा है और एक तरफ यू नो बाकी अभी कहाँ पहुँचे हम हाँ भटिंडा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से 2-3 घंटे और लगेंगे बस और पहुँच जाएंगे फिर हम कोशिश रहेगी रिट्रीटिंग सेरेमनीज से पहले पहले पहुँच जाए और गोल्डन टेम्पल फिर रात को देखेंगे बाकी तो यही था अपडेट मिलते हैं आगे ऑल राइट और यहाँ मैक्रो मदन अपने एक्सपर्टीज दिखाते हुए और ये देखो मैकडी दूसरी मैकडी की फोटो खींचते हुए ये मैकडी स्क्वायर की फोटो खींचते हुए और विवेक का तो मेरा नाम निकला नहीं ना अभी तक नहीं इसका निकालना बाकी और लो गाड़ी देख लो पंजाब के खेत देख लो भाई क्या मस्त येलो येलो हो रखे हैं ऐसा लग रहा है जैसे फॉल सीजन आ रखा है कनाडा का मैक्रो मदन की फोटो चल रही है मैक्रो मदन के MCD खींच रहा फोटो और जिनको नहीं पता MCD का मतलब होता है MC दोगला और वो है MC दोगला स्क्वायर आकाश लो गाड़ी देख लो तो दोस्तों थर्ड ब्रेक लिया है पानी पिसाब नहीं इस बार जूस पियेंगे वो कह रहा पपीता काफी टाइम क्या क्या है बता पपीता है चिकुआ है पूछ ले चिकुआ पांच की रेट देते चिकुआ वा एक जूस पा दो पा दो भाई लाइफ में पहली बार मिक्स फ्रूट पिया जिसमें सेब डला है तो ठीक था बट इंटरेस्टिंग फ्लेवर आई डोंट नो आपके यहाँ पे होता नहीं होता बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम था अब जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप अब बैठेंगे पानी लेंगे और निकल रहे हैं यहाँ से अभी हम कहाँ पे हैं
चलो भाई नेक्स्ट स्टॉप अमृतसर। ये पहुंच गए हैं दोस्तों, आकाश को यहाँ पे छोड़ देंगे अब हम। आकाश उड़ जा, पहुंच गए। फैमिली फ्रेंडली। क्या लिखा है भाई? एच ही तो लिखा है, बी थोड़ी लिखा है। विशाल तू। तो गाइस पहला जाम मिला है पूरे दिन में और ये बिल्कुल अमृतसर के पास पहुंचते पहुंचते मिल गया हमें आज यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो गया वाघा बॉर्डर जाने का। तो अब वो कल जाएंगे और अभी के लिए हम अमृतसर में कुछ ढूंढ रहे हैं खाने पीने का, जो कि होपफुली अच्छा मिल जाए। विवेक इंचार्ज है तो उसके बाद खाने का रिव्यू देते हैं आपको। लग रहा है फाइनली पहुंचने वाले हैं, सर्विस चौराहे पे ही जाम लगा हुआ था। देखो इसकी गाड़ी के लाइट में पानी फंसा हुआ है। सो गाइस वी आर फाइनली हियर ब्रिजवासी चाट, रंजीत एवेन्यू में पहुंच चुके हैं आफ्टर अ लॉन्ग राइड। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सूरज यहाँ है और विवेक और आकाश दोनों अंदर गए हैं। फाइनल वी आर हियर, टेस्ट करते हैं फिर देखते हैं कैसा रहा। अमृतसर का सुना तो बहुत है खाना पीना और लड़का आ गया है। कैसे रे भाई, फीलिंग लाइट? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा, कैसा होगा मिक्सचर? तो बढ़िया लग रहा है। कौन सी खाएगा बताओ? एक इनके दही बल्ले और एक बन टिक्की होती है। तो काम करते हैं ना, पांच बल्ले पर अलग 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 मंगाते हैं। क्या मंगाया तो बता। दादाजी के लिए क्या लेना है? दादाजी के लिए कुछ हल कम, दादाजी के लिए कम तीखा, पानी मत रख रहे हैं, पानी कम तीखा दादाजी के लिए। क्या खाएगा तू? दादाजी अपनी दवाई के लिए रात की टिक्की टक्की ले लेते हैं। गोलगप्पे आ गया भाई, सब सब्जी की चटनी है। गोलगप्पे पादो पाजी। पादो पादो सेवा करो सेवा करो। हाँ भाई सेल्फ हेल्प है यहाँ पे, खुद लेना भाई, तो खुद दे ले। कर दे यार, शर्मा मत। बड़ा वो कर रहा हूँ क्या, ज्यादा साफ हवा में आ गया ना तो ठीक लग रहा है। आ भेलपुरी आ गई है। ले भाई जी ले, कोई नहीं आ गई तो ठीक है। एस्थेटिक कैसी है? यहाँ तो ले तू एस्थेटिक का 14। हाउ इज इट? ये सब पुराना रखा हुआ है। अब बंद टिक्की लिखा हुआ है और ये बंद टिक्की दे दिया। अंकल खाना कहाँ मिलेगा?